नमस्कार। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको लाइफ में दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहोगे सर ये क्या बात है? बिल्कुल, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरे लोग उनके दुश्मन नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो खुद ही अपने आप के दुश्मन होते हैं। वो अपने आप को दुश्मनी में क्रिएट कर लेते हैं, उनके किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग भी लाइफ में होते हैं, ऐसी आदतें वाले लोग भी होते हैं। अपने अंदर ऐसी दो आदतें वो रखते हैं कि वो दो आदतें वो दुश्मनों की बराबर होती है, और वो उनको पल पल चोट पहुंचाती रहती है, उनके लाइफ को, उनके शरीर को, उनकी हेल्थ को, उनके मेंटल हेल्थ को, और उनको पता ही नहीं चलता है। वो आदतें एक दुश्मन के रूप में उनके शरीर में काम करती है, लेकिन वो सोचते हैं नहीं, उनको पता नहीं पड़ता। अगर वो आदतें आप में भी है तो उनको सुधार लेना, वरना ध्यान रखना कि दूसरे दुश्मन तो वो आपको बाद में हानि पहुंचाएंगे, लेकिन ये आदतें सबसे पहले आपको, अपने आप को आपको हानि पहुंचा देगी। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको पता नहीं चलेगा और आप टॉप से डाउन में चले जाएंगे। वो आदत क्या है? दो आदतें ये दी। सबसे नंबर वन, घमंड, एरोगेंस, प्राउड। अगर आपको अपने आप में घमंड है ना, तो यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी की आदत है। दूसरे दुश्मन की आपके लिए जरूरत नहीं है, यही अपने आप में आपके लिए दुश्मन क्रिएट करती है। घमंड में इंसान क्या होता है कि सर्वे सर्वा, बस जो हूं जो मैं समझता हूं। कोई दूसरा इंसान अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है ना, तो आप घमंड में उसकी एडवाइस को फॉलो नहीं करोगे। अरे यार, ये तो मुझसे काफी छोटा है, मैं काफी उससे उम्र में भी बड़ा हूं, मैं अच्छा खासा नॉलेज रखता हूं, ये मुझे एडवाइस दे रहा है। आप उसकी एडवाइस को चुटकियों में खारिज कर देंगे, और मैं भी हो सकता है कि वो एडवाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ के लिए, लेकिन आप अपने घमंड में उसकी एडवाइस को इग्नोर करते हो, और फिर आपकी जो घमंड की आदत है ना, वो आपके लिए दुश्मन बन जाती है, और आपको पता ही नहीं चलता है। लोग घमंड में अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को तुच्छ समझते हैं। आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आपके अंदर नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन जीवन में ध्यान रखना, घमंड कभी मत करना। जिस दिन आपके अंदर घमंड आया ना, तो आपका पतन शुरू। घमंड आपको बर्बाद कर देगा। सेकंड, गुस्सा, एंगर, यह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा एनिमी होता है। सारे दुश्मन एक तरफ और गुस्सा, आपका गुस्सा एक तरफ। वह गुस्सा आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा, अंदर ही अंदर आपको दीमक की तरह जला के रख देगा, दीमक की तरह खोखला कर देगा। आप क्या देख रहे हो? गुस्सा अकेला आता है। जब आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा सिर्फ गुस्सा ही आता है, नेवर। गुस्से के साथ में आपको ईर्ष्या पैदा होती है, गुस्से के साथ में आपको दुख पैदा होता है, गुस्से के साथ में आपको भय पैदा होता है, गुस्से के साथ में आपके दिमाग में अविवेक आता है, गुस्से के साथ में आपको तिरस्कार की भावना पैदा होती है। जीवन में ध्यान रखना, गुस्सा जब भी आए तो कभी अकेला नहीं आता, ये सारी चीजें लेके आता है। एक गुस्सा इतने सारे दुश्मन आपके अंदर लेके आता है, और आपको पता ही नहीं चलता, और आप अंदर ही अंदर जलते रहते हो, अपने दिमाग में, अपने मन में जलते रहते हो, गुस्सा करके। तो लाइफ में अगर गुस्सा अगर आपके दिमाग में हावी रहता है ना, तो वो समझ लेना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके लिए। ये दो आदतें सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती है आपके लिए, आपका घमंड करना और आपका गुस्सा करना। अगर ये दो आदतें आपके अंदर है ना, तो आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये खुद ही आपके लिए दुश्मन है और आपको कभी भी खत्म कर सकती। तो अपने लाइफ को अगर आपको सेटल करना है, आगे बढ़ाना है, तो कभी घमंड मत करना और कभी भी गुस्सा मत करना।